इन्फ्लेशन, बर्निंग टॉपिक है इन्फ्लेशन, और जहाँ भी देखो वहीं हर जगह बात हो रही है कि इन्फ्लेशन है क्या। आप लोग क्या समझते हैं इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई, रुपए की वैल्यू कम हो गया। अच्छा, अगर इन्फ्लेशन 20 वर्ड्स में अगर आपको बोलना पड़े या लिखना पड़े तो क्या कहेंगे? चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है, रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। बैठ के इन्फ्लेशन को कैसे डिफाइन करोगे? इन्फ्लेशन वो चीज़ है जो एक एक करके एक एक करके मतलब नेशन के लिए अच्छा है अगर वो एक लिमिट में बढ़ाया, जैसे इंडिया का 4-6% तक मतलब वैल्यू का लेके इतना बढ़ाया जा सकता। अच्छा अच्छा, लाइक किसी भी रिसोर्स चाहिए होता है तो वो रिसोर्स की कमी होती है। इन्फ्लेशन क्या है, हम आपका नाम पूछ रहे हैं और आपका क्या बता रहे हैं? शिफ़ट। आइए, सोने और नहीं होने में थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। कंपटीटर तो बहुत होते हैं, 10-20 हज़ार बच्चे तो वाकई बहुत अच्छे होंगे, उसमें से 1000 सीट में आपको आना है। तो समझो ना, इन्फ्लेशन पूछा जा रहा है तो इन्फ्लेशन क्या है? मेनी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन ना, देखो क्या पूछा जा, हाइपर इन्फ्लेशन, गलोपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, हिडन इन्फ्लेशन, ओपन इन्फ्लेशन, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, मार्कअप इन्फ्लेशन, परमानेंट इन्फ्लेशन, टेम्पररी इन्फ्लेशन, मेनी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, कंप्रहेंसिव इन्फ्लेशन, स्पोरेडिक इन्फ्लेशन, ओके, हेडलाइन इन्फ्लेशन, अभी UPSC में हेडलाइन इन्फ्लेशन, मेनी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। बट बेसिकली हम लोग दो समझते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये कहीं भी बख्शने वाला नहीं है आपको, चाहे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो या मेंस हो और इंटरव्यू। आप कैसे कंट्रोल करेंगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक ना? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना? फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कैसे कंट्रोल करते हैं, एंड व्हाई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है ना? आप क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? जैसे आपने कहा कि इन्फ्लेशन गुड फॉर इकोनॉमी, बहुत सारे गाइड में लिखा भी कई जगह, स्टूडेंट लाके दिखाते हैं कि इन्फ्लेशन गुड फॉर इकोनॉमी। तो इफ इन्फ्लेशन गुड फॉर इकोनॉमी तो प्राइम मिनिस्टर को थैंक यू कहो कि आपने पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी, गुड फॉर इकोनॉमी, ठीक है? लाके दिखाते हैं, सर लिखा हुआ है गुड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, गुड फॉर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, ठीक है ना, गुड फॉर मार्केटाइजेशन, बाजारीकरण के लिए बहुत अच्छा इन्फ्लेशन। तो थैंक यू प्राइम मिनिस्टर, आप वेजिटेबल की प्राइस, ओनियन के प्राइस 400 रुपीज़ कर दीजिए, थैंक यू, पेट्रोल की प्राइस 200 रुपीज़ कर दीजिए। इसलिए कहते हैं गाइड जो होती है बड़े अलर्ट होकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि गाइड से ही मिसगाइड होते हैं ना, बुक से मिसगाइड नहीं होंगे। जैसे कोई फॉरेन का आए और ताजमहल जाए और ताजमहल का जो गाइडलाइनर है, जो गाइड कर रहा है, उसको बता रहा है कि ताजमहल बिल्ड बाय अकबर, तो नोट कर रहा है ताजमहल बिल्ड बाय अकबर, उसको क्या पता है। लेकिन जब रिसर्च सबमिट करेगा, प्रेजेंटेशन जब हो रहा होगा, तो कहेगा यार ये तुमको किसने बताया कि ताजमहल बिल्ड बाय अकबर, का गाइड ने बताया था। तो यहाँ जो खड़े लोग होते हैं इनकी बड़ी अकाउंटेबिलिटी हो जाती है कि आपको कैसे गाइड करें, ठीक है ना? उसके लिए भी आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर वो पहले से पढ़ के आया है तो गाइडलाइनर बोले, गाइड बोलेगा कि जो है ताजमहल बिल्ड बाय अकबर, तो कहेगा स्टॉप, नहीं अकबर नहीं, अकबर का तो टाइम ही नहीं था, ताजमहल का टाइम अलग है। तो इसलिए आपकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है, ठीक है? सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं, सबका एक कंबाइंड एफर्ट्स है, ठीक है? तो अगर हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, तो इन्फ्लेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है,
इस टॉपिक को बेसिक्स टू एडवांस समझते हैं, ठीक है ना। आपके साथ कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक को कई शिफ्टों में आपके साथ, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के जितने कीज हैं, ठीक है ना, कैसे उसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं, क्वालिटेटिव की एंड क्वांटिटेटिव की, मेजरमेंट पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स में कंपेयर करने के लिए सवाल बन रहे हैं, ठीक है ना। फिर इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का कहाँ कहाँ है, क्यों उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, फिस्कल पॉलिसी के टूल्स के थ्रू कैसे हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के थ्रू आप कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सब ओवरऑल एक हम आपके साथ एक कंट्रीब्यूट करेंगे कि ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन, व्हाट इज इन्फ्लेशन, किसी ने कहा महंगाई, एंड इट मीन्स कि इन्फ्लेशन पी प्राइस, अगर प्राइस बढ़ रही है कंटिन्यूसली है ना, ओवर द पीरियड, एक एक लफ्जों पे ध्यान दे देना, ठीक है ना, ओके, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इफ कंटिन्यूसली इंक्रीज विथ फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू फाइनली क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एंड ड्यू टू एनी रीजन नोन एज इन्फ्लेशन। कहते हैं ना, हम आपसे बार बार कहते हैं कि यूपीएससी वनली गेम ऑफ टेक्निक, स्ट्रेटजी, टेक्निक डेवलप करो, सिलेबस जो है अनलिमिटेड है, कितना पढ़ोगे, एक बार टेक्निक अगर आ गई आपको तो बाकी चीज़ें धीरे धीरे आसान सी हो जाती हैं। पी प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विथ फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, बहुत सारे आधे कंसेप्ट आ जाएंगे, ओवर द परचेजिंग पावर, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये जो वैल्यू ऑफ मनी है एंड एनी रीजन, क्यों बढ़ी प्राइस, किन्हीं कारणों से, अगर किसी चीज़ के, मेरे पास पेन है, इस पेन का एग्जांपल लेते हैं, कोई इधर उधर, कोई बुकिश इन्फॉर्मेशन, कोई इस तरह का इकोनॉमिक्स का एग्जांपल, पेन हमारे पास है, अगर इस पेन की प्राइस बढ़ रही है, उसका कारण नहीं, जैसे कॉजेज में आओगे ना वैसे वो टाइप्स हो जाता है, ठीक है ना। अगर मान लो कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए, मनी फ्लो बढ़ गए, ठीक ना, और अगर कहोगे कि ड्यू टू एक्स्ट्रा सर्कुलेशन ऑफ मनी फ्लो इन योर पॉकेट, मुद्रा का क्या हुआ, एक्स्ट्रा आ गया, तो वो क्रेडिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन हो जाता है, एक वो टाइप हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रेडिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। यानी आपने बारीकी गलती कर दी और यूपीएससी में बाहर हो गए, आप गलत नहीं हो, आपको फील नहीं हो रहा, यही तो कोच का काम होता है कि उस बारीकी से आपको थोड़ा सा शिफ्ट कर दे। जैसे आपने कहा ना कि प्राइस बढ़ रही है ड्यू टू एक्स्ट्रा सर्कुलेशन ऑफ मनी फ्लो इन द इकोनॉमी, तो क्रेडिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन हो गई, वो इन्फ्लेशन नहीं कहलाई, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हो गई। आपने कह दिया कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी, तो क्या हो गई, कमोडिटीज इन्फ्लेशन हो गई, ठीक है ना। एकदम इजी करके समझते हैं कंसेप्ट को। वैल्यू ऑफ मनी, जब किसी चीज की वैल्यू कम हो जाती है, ध्यान रखना, इन्फ्लेशन में वैल्यू ऑफ मनी का कम होना खतरनाक है। जैसे मान लो कि वन पेन रुपीज 10, सेम पेन विदाउट क्वालिटेटिव चेंज रुपीज 12, सेम पेन 50, सेम पेन रुपीज 18, ठीक है 18, 10 रुपए का पेन है और वो कितने में आप परचेज कर रहे हो, 18 में, यानी वही पेन 8 क्वाइंस एक्स्ट्रा जब पे कर रहे हो तो मिल रहा है, ठीक ना। इस पेन का अंदाजा देखो, इसकी हैसियत देखो, 10 रुपए लेके जाते थे शॉपकीपर,
कर दिया करता था। अब 12 लेके गए, नो, अब 18 भी लेके जा रहे हैं तब मिल रहा है, तो वैल्यू किसकी बड़ी है? यही मुझे सिखाना है, वैल्यू आप गुड्स नहीं होते हैं, कोई मत बोलिएगा, हिंदी में तो बड़ा आसान है, ठीक है ना, ओके, वैल्यू ऑफ गुड्स नहीं, तो गुड्स के साथ यस मनी के साथ वैल्यू होते हैं, कभी भी प्राइस मनी की बढ़ती घटती नहीं है, ठीक है ना। मनी के साथ क्या लगेगा कॉमनली, यानी क्या लगाना है आपको, वैल्यू, वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ मनी नहीं, प्राइस ऑफ मनी नहीं, प्राइस ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स नहीं, प्राइस। इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को तो आईपीएल ने अलग ही कर दिया, यानी किसी वस्तु के साथ, यानी किसी गुड्स के साथ या कमोडिटीज के साथ वैल्यू नहीं लगाते हैं, प्राइस लगाते हैं। अब मनी के साथ क्या लगाते हैं? वैल्यू लगाते हैं, मनी के साथ प्राइस नहीं लगाएंगे। जैसे इंसान की कीमत कोई लगा सकता है, कोई पूछे तुम्हारी कीमत कितनी है, कहोगे यार क्या बात करते हैं, ठीक है ना, और फिल्म्स नहीं हुआ तो, आईएस नहीं हुआ तो वैल्यू डाउन हो गई, हो गए वैल्यू अप। अब उसी वैल्यू की जगह कोई कीमत लोग बोल दे, आपकी प्राइस कितनी है, कहा मैं कोई गुड्स हूँ, हाँ। लेकिन आईपीएल ने क्या किया, पूरी तरह से इकोनॉमिक के कंसेप्ट को ही बदल दिया, एक ह्यूमन बीइंग है और उसकी बोली आ रही है, विराट कोहली 10 करोड़, एक आगे कह रहा 12 करोड़, एक कह रहा 20 करोड़, बताओ, हाँ, कंसेप्ट ही बदल दिया, इंसान की कीमत नहीं लगा पाओगे, लेकिन आईपीएल ने कीमत लगाना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारी कीमत कितनी है, ठीक है ना, ओके। तो आप कभी भी गुड्स के साथ क्या लगाएंगे, प्राइस लगाएंगे। जैसे ब्रेकिंग न्यूज चल रही है और लिख क्या रहा, 4% इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज इन वेजिटेबल कमोडिटीज, और लिख क्या रहा, 4% इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज इन वेजिटेबल गुड्स, दोनों का सेंस क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन कमोडिटीज एंड गुड्स, देर इज नो पिन ड्रॉप साइलेंस, ठीक है ना। मैंने आपसे वादा किया है ना, पढ़ना नहीं है, बिना पढ़े यूपीएससी क्वालिफाई करना है, नो नो रीड, सिंपल सिंपल बातें समझने की कोशिश करो, फिर जाना उसमें, उस मेन एरियाज में, डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड कमोडिटीज, देखा था ना, फाइन गुड्स आर कमोडिटीज, एसी गुड्स आर कमोडिटीज, मेरे साथ इन्वॉल्व होइए क्लास में, आवाज पहुंच रही है ना ऑनलाइन सबको, ओके, गुड्स आर कमोडिटीज, वीट गुड्स आर कमोडिटीज, गुड्स आर कमोडिटीज, गुड्स, राइस गुड्स आर कमोडिटीज, कार गुड्स कमोडिटीज, लैपटॉप कमोडिटीज, गुड्स। इंडिया का इलीट क्लास बैठा है मेरे सामने, लर्न करिए प्लीज, ठीक है ना। मेंस में अपीयर होने वाले बच्चे भी बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। गुड्स आर कमोडिटीज, सेलफोन गुड्स आर कमोडिटीज, गुड्स कमोडिटीज, डरो मत, डरने वाली कोई बात नहीं है, सीखने की कोशिश करो, किसी को कुछ नहीं आता है, बट आता है तो हो जाता है, ओनली लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। गुड्स कैरियर, गुड्स कैरियर, हाँ बताओ, जैसे अपना आईक्यू लगाओ, उसमें तो जैसे गाड़ी अपने गुड्स कैरियर लगा हुआ है, कार हुआ, वहाँ नहीं, हाँ ठीक, तो कार क्या हो गई, गुड्स कमोडिटीज, पेन गुड्स आर, चलो इससे इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, पेन गुड्स आर कमोडिटीज, क्या ना, कमोडिटीज शॉप कल्चर। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और आप बैठे हो आईएएस की तरह, ठीक है ना, फादर से कह रहे, अच्छा जाना मार्केट में ना, वेजिटेबल मार्केट में बहुत सारे वेजिटेबल की प्राइस बढ़ी है, फिर देख रहे हो, नहीं नहीं बताओ ये वेजिटेबल में कौन सी है, किसकी प्राइस बढ़ रही है,
गुड्स पेना गुड्स कार गुड्स राइस गुड्स व्हीट गुड्स लैपटॉप गुड्स, ठीक। जब इंडिविजुअल लेंगे तो गुड्स, और जब कंबाइंड करेंगे तो कमोडिटीज। कितना आसान है ना, सुनने के पहले टफ लग रहा था, अब कितना आसान हो गया। ओनली लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर कहते हैं ना वेजिटेबल कमोडिटीज, इतना मतलब बहुत सारे वेजिटेबल के आइटम में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ा है। अगर न्यूज आ रही कि वेजिटेबल आइटम, तो एक किसी में बढ़ा होगा, ओनियन की प्राइस बढ़ी होगी, ठीक है ना। ओके, सो कहने का सेंस ये है कि जब पेन की प्राइस बढ़ती है, इस पेन की प्राइस बढ़ रही, तो जो हिडन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रही है, डाउन, ठीक ना। वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तभी तो कहते हैं ना कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, और तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। बायर्स आर इम्पॉर्टेंट, खरीदार जो होता है ना वो इम्पॉर्टेंट। थोड़ा मैं एग्जांपल के साथ आपको एकदम क्लास को बहुत इजी करता हूँ, क्योंकि बोल देंगे, ठीक है ना। मान लो सपोज दैट सब हॉस्टल लाइफ में हैं, ठीक है ना। जहाँ ध्यान देना है वहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है ना। सपोज दैट ठीक ना, स्टूडेंट लाइफ में हॉस्टल से बाहर आए, ठीक ना। मार्केट है ना, अब मार्केट के टाइप्स में कभी जाऊंगा कि कितने टाइप्स के मार्केट हैं, ठीक है ना। ये प्योर कम्पिटिटिव मार्केट, यानी मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स, क्रेता और विक्रेता दोनों थे, ठीक है ना। अगर मान लो कि अगर आप हॉस्टल से बाहर गए डिमांड करने, डी डिमांड, ठीक है ना, दी डिमांड। डिमांड अगर आपको आई तो वो किस पे बेस्ड हो गई, मनी फ्लो पे। डिमांड बेस्ड ऑन मनी फ्लो, ठीक है ना। अगर आपके पॉकेट में, ठीक है ना, 10 का नोट हो और पेन खरीदने गए, मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसलिए एग्जाम्पल जो है, और सभी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए एग्जाम्पल मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ। 10 रुपये का नोट लेके गए जेब में है पेन खरीदने के लिए, और वो शॉपकीपर दिखा रहा है 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का नोट, तो बाहर पेन देखते हैं और पैसा देखते हैं। ध्यान रखना कितना आसान है ना समझना, बार बार पेन देखते हैं पैसा देखते हैं, और आपका फिलॉसफी आ जाता है आपके अंदर ना, एक फिलॉसफी वाला है ना अंदर से, एक हर इंडियन के अंदर ना, हर इंडियन फिलॉसफर होता है, तो उसकी फिलॉसफी जागने लगती है। वो शॉपकीपर से कहता है कि पेन सिंपल होना चाहिए, इस स्टूडेंट को सिर्फ लिखना है ना, शवाब थोड़ी ना करनी है, ठीक ना। अगर हम शवाब करेंगे तो फिर स्टूडेंट कैसे, शवाब जब क्वालिफाई करेंगे तब वो पेन आएगा रेट पे। तो शॉपकीपर साइकोलॉजिस्ट होता है, उसको पता है ना कि पैसा नहीं है और ये फिलॉसफी की बातें कर रहा है, फौरन ये दिखा देता है यूज एंड थ्रो पेन, ठीक है ना, यूज एंड थ्रो पेन फौरन दिखाया। 5 रुपये का पेन जैसे उसने दिखाया वैसे आपको कंफर्टेबल फील होता है, समझना, कंफर्टेबल फील होता है, और फौरन आप क्या करते हैं, उसको परचेज कर लेते हैं। मान लो हॉस्टल्स के बाहर अगर 500 स्टूडेंट पर डे जाते हैं, अब 400 स्टूडेंट 5 रुपये के पेन की डिमांड करते हैं, तो शॉपकीपर मैक्सिमम कौन से पेन अपनी शॉप पे लाएगा, 5 रुपये वाला। इफ मनी फ्लो लेस तो डिमांड विल बी डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, वहां पे बैलेंस हो जाएगी। इट मीन्स कि मार्केट की जो डिमांड है वो सर्कुलेशन ऑफ मनी फ्लो है। फादर ने आपके पॉकेट मनी को कट किया, आपके पॉकेट में क्या हो गया, मनी फ्लो लेस। लास्ट वीक ऑफ मंथ एग्जांपल लेते हैं, लास्ट वीक ऑफ मंथ है, ठीक है ना, लास्ट वीक ऑफ मंथ 500 रुपये आपके पास पड़े हुए हैं, हाँ, दिल्ली में घर से बाहर हैं। फादर को फ़ोन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 3rd या 4th को पैसा ट्रांसफ़र करूंगा। तो आपकी हालत क्या होती है पीजी में, हॉस्टल में, उस 500 से प्यार हो जाता है। है ना,
उस 500 रुपया आपको ऐसा लगता है कि इससे प्यारी चीज़ कुछ नहीं है। पीजी में तो उसको काउंट कर करके देखते हैं, ठीक है ना। अब बार बार देखते हैं SMS की कहीं कुछ आ गया हो, ठीक ना, आना नहीं है। शॉर्टेज ऑफ मनी फ्लो इन योर पॉकेट, तो आपका पैसा क्या हो गया, डियर मनी। क्या हो गया, डियर मनी, बड़ी प्रिय हो गए पैसे। 100 रुपया कहीं गिर गया, मिसप्लेस हो गया, तो आपका अगर फ्रेंड कहता है जाने दो तुम्हारी किस्मत में नहीं था, तुम क्या जानो इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, ठीक है ना। वो पैसा डियर हो गया, आपकी डिमांड क्या हो गई, लिमिटेड, लिमिटेड हो गई ना, ठीक ना। चाय पीने का परसेंटेज क्या कर दिया, कम। बाहर चाय पी रहे हैं, फ्रेंड्स जा रहा है, मूव कर गए, पिलाना पड़ेगा ना, फ्रेंडशिप है ना। वो देख रहा मुझे इग्नोर कर रहा, हॉस्टल में गया कहता है मुझे इग्नोर किया, कहा इम्पॉसिबल, यानी इस पैसे ने झूठ भी बुलवा दिया। हाँ, कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आपको इग्नोर नहीं किया होगा, ठीक है। कहता चलो चाय पी के आते हैं, कहा चाय कम पिया करो, कैंसर होते हैं, ठीक ना, निकोटीन होता है तुमको। और उसके पास एक किसी कोई एडिटोरियल है ना, वो भी लाके दिखाता, देखो ये चाय पीने से कैंसर होते हैं। कुछ छो छो छो, क्या बात है यार, ठीक है। यानी शॉर्टेज ऑफ मनी फ्लो, तो डिमांड लेस, पैसा कम है। उसी बीच कोई और आ गया फ्रेंड, कहता चलो क्रांत प्लेस चलते हैं, इको फ्रेंडली शर्ट खरीदते हैं। आजकल आ रहा है इको फ्रेंडली शर्ट, स्किन वगैरह पे थोड़े से नहीं इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो क्या कहता है, वो कहता है कि इको फ्रेंडली शर्ट, अरे कुछ IAS के लिए बना बचा के रखो, सब शौक अभी पूरा कर लोगे तो क्या होगा। सिंपल शर्ट, स्टूडेंट का शर्ट जानते हो कैसा होता, सिंपल, सिर्फ आयरन किया हुआ, फंगस वगैरह खत्म हो जाए बस, उसके क्वालिटी नहीं देखनी चाहिए, प्रिपरेशन के टाइम कोई शौक नहीं, ठीक ना, क्वालिफाई करने के बाद शौक हो जाता। आपकी हर चीज़ क्या हो जाती है, लिमिटेड। लास्ट वीक ऑफ मंथ हॉस्टल के आसपास के जितने शॉपकीपर होते हैं वो बेचारे उदास हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों के पास पैसा क्या हो गया, मनी फ्लोलेस। कोविड में हुआ ना, शॉर्टेज ऑफ मनी फ्लो, जिस पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी, 10 रुपये, 20 वाले, 50, 100 वालों के वो प्यारे लगने लगे थे, और 500, 1000 वाले किनारे रखे बर्डन लग रहे थे, ठीक है। कितना टाइम हो जाता, शॉर्टेज ऑफ मनी फ्लो इन योर पॉकेट, तो डिमांड ऑब्वियसली क्या हो गई, लेस, डिमांड लेस हो गए। यानी सिंपल शर्ट पे आ गए, ब्रांडेड शर्ट की जगह मैं थोड़ा मूव कराऊंगा, क्योंकि ब्रांडेड इन्फ्लेशन हाईलाइट हो रहा है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हाईलाइट हो रहा है। ब्रांडेड इन्फ्लेशन भी होता है ना, ब्रांड का, ब्रांड में भी कंपटीशन होता है, ठीक है ना, उसकी वजह से। तो मनी फ्लो लेस, डिमांड लेस, आपकी मार्केट स्लो हो गई, सुस्त हो गई। तभी तो कुछ लोगों ने कह दिया, बिना कुछ थॉट डेवलप के लिख दिया गाइड में कि एक इन्फ्लेशन जो है क्या होता है, गुड फॉर इकोनॉमी होती है, लेकिन वो एक रेट होता है, जैसे आपने बताया उसको बोलते हैं आइडियल इन्फ्लेशन रेट। उसके टॉपिक में हम बात करेंगे कि आइडियल इन्फ्लेशन रेट किस किस का, कैसे कैसे, यूरोप का कैसे आइडियल इन्फ्लेशन रेट, इंडिया का आइडियल इन्फ्लेशन रेट किस तरह से इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ठीक है। तो मनी फ्लोलेस, अब देखो फर्स्ट वीक ऑफ मंथ, फर्स्ट वीक ऑफ मंथ सोए हुए हैं, उदास पड़े हुए हैं, ठीक है ना, उदास पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, पैसे कम है ना। अब पैसा 500 की जगह कितना हो गया, 200 रुपीज, ठीक है ना, और फोन पे में कुछ है ही नहीं है, जीरो। मैसेज आया, उसका अलग से ट्यून रखते हैं ना आप, जैसे ही देखा, अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप, सिर्फ देखा बैलेंस, ऐसा लगता है ना कि क्या आ गई, ठीक है ना। और बड़े कॉन्फिडेंस के बाद जाते हैं वॉशरूम स्टाइल में, ठीक है ना, और स्टाइल में आ करके, और चाय की शॉप पे ना लोकेशन चेक करके बैठ खड़े होते हैं कि सब लोग मुझे देखें, पहले छुप के खड़े होते थे, अब लोकेशन को चेंज कर दिया, जो फ्रेंड आपको देख नहीं रहे ना उसको भी बुला, इधर आओ, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या हो गई, मनी फ्लो क्या हो गई, सर्कुलेशन क्या हो गया, हाई, ठीक ना, इंक्रीज हो गया। अब जैसे ही मनी फ्लो इंक्रीज हुआ, ठीक है ना, बुलाते हैं, कहा चाय पियो, ठीक ना, चाय पी लो,
वो कहता हम चाय नहीं पियेंगे। आपने कहा था ना मैं अच्छी फ्रेंडशिप फॉलो करता हूँ, आपने कहा था जो चाय पीता है ना उसको कैंसर होते हैं। आपने कहा मैंने कब कहा था? कहा तुमने आर्टिकल भी दिखाया था। कहा अच्छा मैंने कहा था, कोई बात नहीं, आप चाय मत पियो कॉफ़ी पी लो, फ्रेंडशिप है ना, आप कैसे उसको बिना कुछ खिलाए पिलाए जाने देंगे, ठीक है ना। कहा कॉफ़ी में भी निकोटीन होता है। अच्छा उसमें भी होता है, ऐसा करो जूस पी लो। कहा मैं पैक जूस नहीं पीता। तो कहा कोई बात नहीं फ्रेश जूस पी लो, मिल्क शेक पी लो। कहा मिल्क शेक बादाम शेक पी लो, नहीं कुछ ऐसा शेक पीते हो खजूर का शेक पी लो, ठीक है ना, कुछ पिला के छोड़ता है। यानी ध्यान रखना इंटरटेन कर रहा हूं लेकिन बड़ा कंसेप्ट है, डिमांड शिफ्टेड यानी किस पे चला गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिमांड शिफ्ट होने लगे। बात समझ में ना, यानी हमने क्या किया डिमांड को शिफ्ट करा दिया, टी टू कॉफी, कॉफी टू जूस, जूस टू फ्रेश जूस, ठीक है ना। एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम आ गए, अब चॉइस करने लगे। अब सिंपल शर्ट से हम क्या हो गए, ब्रांडेड शर्ट, इंपोर्टेड शर्ट। जिस रेशियो में आपके पास पैसा आता है उसी रेशियो में आप क्या करते हो, शिफ्ट करते हो, ठीक है ना। पहले उस रेशियो में शर्ट खरीदते हो, पैसे आ गए तो ब्रांड वाला चाहिए। और आजकल तो कोई पूछ दिया बड़े बहुत अच्छी शर्ट है, क्या ब्रांडेड है देखो, ठीक है ना। हॉस्टल में पीजी में शर्ट लेके आते हैं, ऐसे रखते हैं कि ब्रांड दिखाई दे, ठीक है ना, ताकि लगे कि ब्रांडेड शर्ट है, ये लोकल ब्रांड नहीं है, डोमेस्टिक ब्रांड नहीं, इम्पोर्टेड ब्रांड है। एक और आ गया, ठीक है ना, ब्रांडेड शर्ट, इको फ्रेंडली शर्ट। जिस तरह से मनी फ्लो बढ़ी, इफ एक्स्ट्रा सर्कुलेशन ऑफ मनी फ्लो इन द इकोनॉमी, तो क्या कहलाती है, चीप मनी। इन चीप मनी पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाई RBI टाइम टू टाइम, डियर मनी पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाई RBI टाइम टू टाइम। आपकी RBI कौन है, फादर, पहले यहां से समझो, ठीक ना। फादर आपको कभी डियर मनी कराते हैं, पैसे होने के बाद भी कहते तुम क्या जानो इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, जो घर देख रहे हो ना कैसे बनाया पता है, नहीं पता होगी कितनी मेहनत से, अब पढ़िए, ठीक है ना। जब ज़्यादा आप खर्च करते हैं ना तो मनी को डियर कर देते हैं, दुर्लभ मुद्रा, ठीक है। आज जब देखते हैं आप ज़्यादा पैसे को ज़्यादा हेडेक ले रहे हैं ना, घर की प्रॉब्लम, यहाँ बैठे बैठे घर की प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान है, तो कहते हैं आपका काम सिर्फ पढ़ना है ना, मैंने किसी चीज़ के लिए रोका आपको, कभी पैसे के लिए, कभी पीजी के लिए, कभी बुक्स के लिए, कभी फीस के लिए। यानी आपको क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। सेम थिंग गवर्नमेंट क्या करती है, फादर ऑफ इकोनॉमी RBI क्या करती है, इस मनी फ्लो को देख करके मार्केट को इंड्यूस करती है, ठीक ना, इन्वेस्टमेंट प्लान पे आती है, ठीक ना, इंड्यूस करती है इकोनॉमी को। एंड टाइम टू टाइम शॉर्टेज ऑफ मनी फ्लो हो जाती है। जैसे मान लो कोविड में मनी फ्लो क्या हो गई, लेस, तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बना रही है कि उसको मनी फ्लो को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। किसी न किसी बहाने से मनी फ्लो अब बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, एक अलग टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे आपसे। तो मनी फ्लो इंक्रीज, ठीक है ना, मनी फ्लो इंक्रीज होती है, डिमांड क्या हो जाती है, शिफ्टेड, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स जैसे कार एंड पेट्रोल, ठीक है ना, कार एंड पेट्रोल, ठीक है ना, ओके, बहुत सारे टायर एंड कार, बहुत सारे एग्जांपल आप कर सकते हो। तो मनी फ्लो लेस, डिमांड लेस, इफ मनी फ्लो लेस इंक्रीज, डिमांड विल बी इंक्रीज। अब उस डिमांड को जब आप IS होंगे, तो जब फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, ट्रेड एंड कॉमर्स में होंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे कैसे आप डिमांड को बैलेंस करते हैं सप्लाई एंड मनी फ्लो के बीच में। तो कंसेप्ट हो गया कि मनी फ्लो इंक्रीज। उसी तरह से कहते हैं ना कोर इन्फ्लेशन, जैसे आजकल हाईलाइट हो रहा है कोर इन्फ्लेशन, परमानेंट इन्फ्लेशन वो कैसे उसको करते हैं। तो बेसिकली जो है जी
इन्फ्लेशन, बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आज की क्लास में कुछ टेक्निक सीखते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे हमने कहा कि इन्फ्लेशन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंटिन्यूसली इंक्रीज विथ फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी ड्यू टू एनी रीजन। इन्फ्लेशन अगर आपसे पूछा जाए डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड उसके कॉजेज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड इट्स कॉजेज, 100 वर्ड्स, तो कैसे उसको फ्रेम करोगे? तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है इन्वॉल्व हुई है, 20 वर्ड, देखते हैं टेक्निक आए कि नहीं आपको। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन है तो आपको इन्फ्लेशन का डिफिनेशन पता है, प्राइस लेवल इंक्रीज इट फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, वहां लिख दिए थे ड्यू टू एनी रीजन इन्फ्लेशन, यहां लिखना है ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। प्राइस लेवल इंक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ मनी लेस ड्यू टू इंक्रीजिंग फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, नो नीड ऑफ एक्सपर्टीज। एक जगह आपने कर दिया कि जब डिमांड बढ़ी, अब वो डिमांड कैसे बढ़ी, पॉइंट नंबर वन, ठीक ना। अब बच्चे अननेसेसरी लिखते हैं द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ग्रेटेस्ट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पता नहीं क्या क्या, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, पूछ रहा है कि सिंपल, ठीक है, कि डिफिनेशन ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और इंडिया का आप क्या बता रहे हो, ग्रेट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, थर्ड रैंकिंग कवर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक ना, कम टू द पॉइंट, ठीक ना, कम टू द पॉइंट, जो पूछे उसको लिख लो, सिंपल क्या कह रहा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंटिन्यूसली इंक्रीज विथ फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, जैसे डिमांड कैसे बढ़ती है, मनी फ्लो बढ़ गई, इफ एक्स्ट्रा सर्कुलेशन ऑफ मनी फ्लो इन द इकोनॉमी, डिमांड हाई, इफ डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओवर द परचेजिंग पावर, तो क्या हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज यहीं पे क्या हो गया, क्रेडिट इंड्यूस इन्फ्लेशन, जो पहला कॉज है वो क्या हो गया, एक टाइप भी हो गया क्रेडिट